हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में तकरीबन 50 जो MCQs हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, और ये 50 MCQs जो हैं पास्ट पेपर से भी लिए गए हैं और बुक्स से भी लिए गए हैं। उसके अलावा ये 50 MCQs जो हैं ख़ास तौर पर अकबर बादशाह जो है मुग़ल अम्पायर का, उसके मुतलका ज़्यादा इसमें है, हुमायूं के मुतलका ज़्यादा है, इस तरह जो मुग़ल डायनेस्टी है उसके मुतलका ज़्यादा इसमें सवाल शामिल हैं, और तकरीबन बहुत ही अच्छे सवाल इसमें शामिल हैं। आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और जो लड़के पंजाब पुलिस के अभी जो है पूरे पंजाब पुलिस के जो महकमा है, पंजाब के जितने भी अजला हैं उसमें वैकेंसियाँ आई हुई हैं, और कईयों की अब तो दौड़ भी हो चुकी है और मेजरमेंट हो रही है, और कई कोई ऐसे अजला भी हैं जिनमें दौड़ भी कारशाती भी हो गया, अब उनके अब पेपर है। उसके बाद ASI जो है ये PPS की तरफ से आई हुई है, जॉब्स आई हुई हैं इसकी, इसमें कांस्टेबल, SPU, लेडी कांस्टेबल, PHP और वायरलेस ऑपरेटर, इनके लिए ये इंतहाई अहम सवाल आते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो पास्ट पेपर्स हो चुके हैं उनमें से सवाल लेकर मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं, और तकरीबन बहुत वीडियोस हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर के लिहाज से। उसके बाद हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स होते हैं, जिस तरह के आज 20 फरवरी है, 20 फरवरी में क्या क्या हुआ, जैसा कि 20 फरवरी 1886 में जो रशिया है उस वक़्त इसने मीर स्टेशन जो है खला में भेजा था, इस तरह के सवालात भी मैं वीडियोस जो हैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। आप वीडियो को देखें फिर उसके बाद डिसाइड करें कि ये जो इंफॉर्मेशन है सही है या गलत है। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है कि इम्प्रेस्ड बाई ज़ीरोस्ट्रीनिज्म द होली फायर वाज केप्ट बर्निंग इन अकबर पैलेस। जो ज़ीरोस्ट्रीनिज्म है ये होता है कि जो आग को पूजने वाले होते हैं, इसको अकबर बादशाह ने इम्प्रेस्ड किया था, और अपनी जो उसका जो महल था उसमें वो इसे जला के रखता था, होली पाक समझता था, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है, लेकिन वो उसको इम्प्रेस्ड किया था, लेकिन ये है बादशाह मुसलमान था। उसके बाद इन अकबर टाइम, अकबर के वक़्त में द प्राइम मिनिस्टर वाज नोन वज़ीर वज़ीर और वकीले मुतलिक। जो प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह अब इमरान खान है, तो अकबर के टाइम उसे कहा जाता था वज़ीर कहा जाता था, बड़ा ओहदा है आपको भी पता है। और इसके अलावा भी एक नाम है उसका, है वकीले मुतलक, इसे कहा जाता था वज़ीर वकीले मुतलक। ये इंतहाई अहम सवाल है और ये सवाल आया हुआ है पेपरों में, और इस तरह के सवाल जो होते हैं ये पेपर्स के लिहाज के अलावा इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत अहम सवाल होते हैं, आप ज़रूर ज़हन नशीन करें। इन अकबर टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर वाज कॉल्ड वज़ीर और दीवान, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसे क्या कहा जाता था, उसे वज़ीर कहा जाता था और उसके बाद दीवान कहा जाता था। मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने लगा हूँ, सवाल बहुत ज़्यादा है और मैं पहले ही बहुत स्लो चल रहा हूँ, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना, इससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। इसके अलावा ये बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाई गई है, आपको पसंद आएगी। मुजफ्फर खान वाज द फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड एज वज़ीर ड्यूरिंग अकबर टाइम। ये इंतहाई अहम सवाल है कि अकबर टाइम जो है, अकबर के वक़्त में पहला जो था
वज़ीरे आज़म वो कौन था, वज़ीर कौन था, मुजफ्फर ख़ान था, ये आपने याद रखना है, मुजफ्फर ख़ान। द ऑफिसर हु मैनेज्ड द रॉयल ट्रेजरी वाज नोन एज मुशरफ मुशरफ़ ख़ुजाना। जो जो बादशाही ट्रेजर था, बादशाही ख़जाना था, उसको जो जो उसको मैनेज करता था, उसके उसे क्या कहा जाता था, उसे मुशरफ़ ख़जाना कहा जाता था। ये इंतहाई अहम है। अकबर टाइम अमाल गुजार, जो अमाल गुजार था, वाज द ऑफिसर ऑफिसर हु कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले को अमाल गुजार कहते थे। रशिया अफगान वार एंडेड थ्रू जेनवा, जो रशिया और अफगानिस्तान की वार थी, वो एक जेनवा एग्रीमेंट के मुताबिक जो थी ख़त्म की गई थी रशिया। ये कब हुआ था, 14 अप्रैल 1988 में। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने जो अपनी अफगानिस्तान से आर्मी एक साल बाद 1900 फरवरी 1999 तकरीबन आधा साल बाद इन्होंने वापस ली थी। और अब जो है अफगानिस्तान में यूएसए की जो आर्मी है वो है, उनके भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखते हैं वो कि वो कंप्लीट होते हैं या क्या करते हैं, काफ़ी देर से चल रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि वो कंप्लीट हो जाए, ताकि जो अफगानिस्तान है उसकी आवाम जो है उसको भी अमन अमन मिले, अपना कारोबार रोज़गार चलाएं। पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर फ्राम, ये इंतहाई अहम सवाल है, मान से ख़रीदा था 1958 में। और ग्रेविटी जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसहाक न्यूटन ने दिया था। और फर्स्ट ट्रांसलेशन जो कुरान मजीद है, पहली मरतबा लतीनी ज़बान में इसका ट्रांसलेट किया गया था। ये इंतहाई अहम सवाल है। मोहतरमा फातिमा जिना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1938। ये भी इंतहाई अहम सवाल है कि जो फातिमा जिना, उनका शोबा क्या था, वो डेंटिस्ट थी। और उनके अलावा वो 1938 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन जो है, ये 23 मार्च 1940 में पास्ट हुई थी। उसके बाद वार सेकंड फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाई अब्दुल हारून, उसके बाद जो थी दूसरा सूबा सिंध में हुई थी, अब्दुल हारून ने इसे मुंतखब किया था। स्टडीज़ जो डिक्शनरीज है, उसकी जो स्टडी की जाती है, उसके लिए उसे क्या बोलते हैं, उसको लिक्सिकोग्राफी बोलते हैं, लिक्सिकोग्राफी। अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम जो है, विद इट्स रैंक ऑफ जत एंड सर्वर बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, मखलूक हुकूमत को कहते हैं। अब्दुल फजल ट्रांसलेट पंच टंटारा इन पर्शियन, जो पंच टंटारा है, ये अब्दुल फजल ने ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, फारसी ज़बान में। लीनर क्लिप्स अकर्स एट फुल मून, जो चांद ग्रहण है वो मुकम्मल चांद पे लगता है, चांद ग्रहण मुकम्मल चांद पे लगता है। कांग्रेस लॉन्च्ड, कांग्रेस जो है उसने 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, ये ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक। इसे अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके अज़म में कायदे आज़म ने डिवाइड एंड क्वाइट मूवमेंट किया था, कि हमें तकसीम करो और यहाँ से जाओ, ये मूवमेंट कायदे आज़म ने लॉन्च की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी जॉब्स, गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड इन 1952 टू डिस्कस द सी आर फार्मूला प्रिपेयर्ड बाई राज गोपाल आचार्य। जो गांधी जिना टॉक्स वायदा हुआ था सी आर फार्मूले के मुताबिक 1944 में, वो किसने प्रिपेयर किया था, ये भी इंतहाई अहम सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। ये सी आर फार्मूला जो है गोपाल आचार्य ने प्रिपेयर किया था। आफ्टर सराघा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया मुस्लिम लीग, सराघा खान के बाद जो है राजा साहब ऑफ महमूदाबाद जो है वो प्रेसिडेंट बने थे सराघा खान के बाद, ये भी इंतहाई अहम सवाल है। वीडियो को मुकम्मल देखें, इसमें बहुत ही
इंतहाई अहम सवालात जो हैं वो मुगल हुकूमत के सिक्के मुतलका मैंने इकट्ठे किए हैं। राजा साहब जो हैं महमूदाबाद 1944, 1544 जो है हुमायूं ने पनाह ली थी, कहाँ पे ली थी? ये उनका ये ली थी ईरान में इन्होंने, और वहाँ का जो बादशाह था शाह तमाप्स था, तहमाप्स इनका नाम है, शाह तमाप्स, जिनके यहाँ इन्होंने 1944 में जब हिंदुस्तान से इन्होंने जंग की थी, हार गए थे, तो फिर ये ईरान गए थे, वहाँ जाके इन्होंने पनाह ली थी। और 1955 में हुमायूं ने फिर जो दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली पर फिर हुकूमत की 1955 में। ये इंतहाई अहम सवाल है जो पीछे है कि इन्होंने दोबारा 1955 में फिर आके दिल्ली पर हुकूमत की है। फर्जी ट्रांसलेटेड फयाजी ट्रांसलेटेड द स्टोरी ऑफ नाल दिमांती इन पर्शियन। फयाजी जो है इन्होंने स्टोरी है नाल दिमांती जो स्टोरी है इसे भी फारसी ज़बान में ट्रांसलेट किया था। द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वाज कंपल्ड इन तरीखे अल्फ, इट इज़ अ फेमस बुक। जो तरीखे इस्लाम पर एक तरीख लिखी गई है तरीखे अल्फ, ये बहुत मशहूर किताब है, ये आपने जेन नशीन करनी है। हुमायूं डाइड, जो बादशाह हुमायूं थे ये 27 जनवरी 1956 में डाइड। ये बहुत मरतबा ये सवाल पूछे जाते हैं इसके, इस पी हुमायूं की कब वफात हुई और ये किस तरह वफात हुई। ये सीढ़ियों से लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक किताब ऊपर जो है पोर्शन पे लेनी थी, सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़े और वापसी पर जो है वो सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत वाकया होगी। इनके गर्दन पे चोट लगी थी और जो है ये तकरीबन एक दिन या एक दिन से ज़्यादा बिस्तर पर जिंदा रहे हैं, उसके बाद ये फौत हुए। फौरी उसी वक्त नहीं, उसी जगह पे नहीं ये फौत हुए। उस लाइब्रेरी का नाम है दिन पनाह, दिन पनाह उस लाइब्रेरी का नाम है। कब फौत हुए थे? जनवरी 1956 में। मोहम्मद हुसैन द फेमस ऑथर ऑफ अकबर कोट वाज अडर्न्ड विद द टाइटल ऑफ जीरी कलाम। मोहम्मद हुसैन जो थे ये एक ऑथर थे अकबर कोट के, ठीक है, ऑथर कह लें शायर कह लें। इनका जो कलाम था अडर्न्ड था, सजाया जाना बुलाया जाना, तो टाइटल देते थे जेरी कलाम, कलाम हाजिर हो, कलम हाजिर हो, ठीक है, इस तरह ये बोलते थे, ये जेरी कलाम ये था। अकबर बर्ट द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, अकबर ने बनाई थी जो फोर्ट ऑफ इलाहाबाद है, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था। पार्लियामेंट ऑफ अमान, अमान की जो पार्लियामेंट है उसे कंसल्टेटिव असेंबली कहते हैं, और पार्लियामेंट कतर की जो है इसे एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की जो है पार्लियामेंट उसे पार्लियामेंट मजलसे शूरा कहते हैं। 1556 से लेकर और 1560 तक यानी कि 4 साल जो था मुगल हुकूमत जो थी उनका जो तर लगान था वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर किसके हाथ पे था? बहराम खान के हाथ था। 56 से लेकर 4 साल तक मुगल हुकूमत का जो लगान था या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर किसके हाथ थे? बहराम खान के हाथ। द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ अकबर टाइम वाज हुमायूं टॉम एट दिल्ली बिल्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज स्टेप मदर हाजी बेगम। स्टेप मदर यानी कि सुतेली माँ हाजी बेगम ने अकबर को कहकर जो हुमायूं है इसका दिल्ली में मकबरा बनवाया था, बिल्डिंग तैयार करवाई थी मकबरा। द मेन मॉनसून वाज बिल्ट हुमायूं टॉम बिलोंग टू ईरान एंड हिज नेम वाज मिर्जा
मरीक ग्यास, ठीक है, जिन्होंने तैयार किया था हुमायूं का मकबरा, उसे क्या कहते हैं? मिर्ज़ा ग्रीक ग्यास। अकबर वाज बॉर्न ऑन संडे, अकबर इतवार को पैदा हुआ था, और जहांगीर डिक्लेयर्ड संडे एज ए प्रीशियस डे, कि ये परहेजगार वाला दिन उन्होंने, जहांगीर ने करा दे दिया था, जब अकबर इतवार को पैदा हुआ है तो ये परहेजगारी का दिन है, प्रीशियस डे है, ये उनका टाइटल है, ये पूछा जा सकता है। वैन महम अंगा डाइड, महम अंगा जब फौत हुई थी तो उस वक्त द सो कॉल्ड शॉर्ट पिटीकोट गवर्नमेंट ऑफ अकबर टाइम एंडेड। जो पिटीकोट होता है इसे औरतों की हुकूमत कहते हैं, कि महम गंगा एक औरत थी, जब वो फौत हो गई थी तो उसमें कहा जाता है कि अकबर के दौर में जो औरतों की हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी कि हुकूमत जो अकबर की हुकूमत है उसमें औरतों की मुदखलत थी, औरतें भी हुकूमत के मामले में अपने मशवरे कर दे दिया देती थी, अकबर मान लिया करता था। इसे कहते हैं कि ये औरतों के जो मशवरे होते हैं, औरतों की हुकूमत भी इसे कह देते हैं, कि औरतों की हुकूमत भी इसमें शामिल है। नूरे जहान वाज एन एजुकेटेड लेडी, ये इंतहाई अहम सवाल है। नूरे जहान जो है वो कहते हैं कि शी वॉज स्पेशल इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक पेंटिंग एंड पोइट्री, शी कंपोज पोइट्री इन पर्शियन। जो नूरे जहान है वो एक शायरा थी, तो वो किस जबान में शायरी करती थी? पर्शियन जबान में। उसके बाद उनका इंटरेस्ट कहाँ था? इंटरेस्ट इन म्यूज़िक में भी थी, पेंटिंग पेंटिंग म्यूज़िक और जो पोइट्री है, ये इंतहाई जो तीनों ही हैं ये काम जो है इंतहाई मुश्किल हैं, और वो शख्सियात जो ये काम करती हैं उनमें जो सोचने की सलाहियत होती है, या काम नए काम नए तजर्बात पैदा करने की सलाहियत आम इंसानों से ज़्यादा होती है। 1562 में अकबर अपलोस्ट द सिल्वरी, जो 1562 में अकबर ने जो सिल्वरी या गुलामी हुकूमत जो है उसे ख़त्म किया था, तो अकबर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु गेट मैक्सिमम सुसेक्स इन राजस्थान। राजस्थान में पहला अकबर बादशाह ही मुसलमान होगा जिसे सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी, वरना कोई आदमी राजस्थान में ज़्यादा हिंदू और सिख रहते थे, इसलिए बहुत कम इन्हें शोहरत मिलती थी। इन 1595 ड्यूरिंग अकबर टाइम, मुजफ्फर हुसैन वाज द पर्शियन गवर्नर ऑफ कंदहार। कंदहार जो थे, मुजफ्फर हुसैन जो थे वो गवर्नर थे कंदहार के। द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू कम टू द मुगल कोर्ट वाज कैप्टन हेवेकन्स। इंग्लिश आदमी वो कौन था, ब्रिटिश हुकूमत का इंग्लिश मैन कौन था जो मुगल हुकूमत मुगल कोर्ट के मुगलिया अदालत में आया था? वो कैप्टन हेवकन्स थे। और अब्दुल रहमान खान जो थे ये जहांगीर के मुअल्लिम भी थे और वली भी थे, यानी कि गार्डियन भी थे, ये भी इंतहाई अहम है। इस तरह के सवालात जेर नशीन करें, वीडियो एंड तक देखें, इंतहाई अहम सवालात इस वीडियो में शामिल हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इस तरह की वीडियो जो नई होती है वो सब आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप जो साथ वाला बेल का बटन होता है उसे भी ऑन कर दें। द इंग्लिश एम्बेसिडर सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया ड्यूरिंग जहांगीर टाइम। ये भी इंतहाई कि जहांगीर के दौर में जो इंग्लिश एम्बेसिडर थे सर थॉमस रॉय, ये जहांगीर के वक्त आए थे, और राजा बरबल जो थे वो डाइड कैसे हुए थे, ये बड़ा सवाल अहम है, क्योंकि राजा बरबल जो थे इंतहाई अहम शख्सियत थे, मसलन के बहुत ही नॉलेज वाले पर्सनैलिटी थी, ये रॉयल साइड से लड़ते हुए अफगान बलोची रेबेलियन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम इनकी डेड हुई थी। ये इन्होंने जो अकबर की तरफ से अफगान बलोची बगावत जो करने वाले होते हैं उनके साथ लड़ते वक्त इन्होंने वफात पाई थी।
ये आज की वीडियो तकरीबन ख़त्म हो गई है। इसके अलावा जो नई वीडियोस मैं इस तरह की आपके साथ सामने लेकर बहुत अच्छी मालूमात लेकर आता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं एक मरतबा फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे होता यह है कि हमारी हौसला अफज़ाई हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि जो हमारी वीडियोस हैं, ये जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो मुतमिन हैं कि नहीं हैं इससे। इसलिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और लाइक्स और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ।